अब देखो वेलोसिटी निकालेंगे कोई भी बॉडी की जब वो पीरियोडिकली मूव कर रही होगी। जैसे एग्जाम्पल है कि एक पेंडुलम है, फिर से एक पेंडुलम की वेलोसिटी मुझे निकालनी है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये इसकी मीन पोजीशन है। तो कभी ना कभी पेंडुलम यहां से चलता हुआ यहां भी आया होगा, तो मुझे यहां पर वेलोसिटी निकालनी है क्या होगी, और एक्सट्रीम पे मुझे पता है वेलोसिटी क्या होती है, मुझे वेलोसिटी निकालनी है। अब कोई स्टूडेंट आया, उसने कहा इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। मैंने कहा कैसे? वो कहते हैं तुमने कई क्वेश्चन कर लिए। मैंने कहा किस चैप्टर में? बोला सर्कुलर और वर्क पर एनर्जी में। मैंने कहा वो कैसे? कहते एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो ना, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक इक्वेट करो, अपनी ज्योमेट्री बनाओ, थीटा एच निकाल लो, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल ऐसा निकाल सकते हो। तो फिर ये क्या कर रहे हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा ही नहीं ये वाला कि ये वेलोसिटी ले लो, ये निकाल दो, मुझे पता है आप वर्क पर एनर्जी से ही करोगे। ये चैप्टर आपको ये पूछेगा कि सपोज करो एक पेंडुलम है, वो यहां से चला था, वो एक्सट्रीम पे पहुंचा, रास्ते में कहीं यहां पर जा रहा था यहां पे, और यहां पे पहुंचने में टाइम उसको लगा T/6। तो बताओ T/6 समय पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? बताओ 4 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी? बताओ 1 घंटे 15 मिनट 15 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी? अब लगाओ एनर्जी कंजर्वेशन, लगेगा ही नहीं। तो अगर तो एक पॉइंट की वेलोसिटी गिवन है और दूसरे की निकालनी है, फिर तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, बात खत्म। ऐसे इस पीरियोडिक मोशंस के कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे आंसर आएगा। पर अगर मैं टाइम के साथ वेलोसिटी का रिलेशन पूछ रहा हूं कि टाइम 10 सेकंड पे वेलोसिटी बोलो, 11 सेकंड पे बोलो, यानी कि मैं आपसे इस पीरियोडिक मोशन की क्या पूछ रहा हूं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला, कि बस किसी तरीके से मैं टाइम को पुट करूं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी निकाल लूं, वो वर्क पर एनर्जी नहीं करता, वो उसमें टाइम इन्वॉल्वमेंट में नहीं थी बिल्कुल भी। क्लियर है? तो क्या करेंगे, किसी भी इंस्टेंट पर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, A sin ωt, ये हमने किया, और इसमें किसी भी इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, dy/dt। तो y की जगह ये पूरी की पूरी यहां पे पुट कर दें, a बाहर आ गया, साइन की डिफरेंशिएशन cos ओमेगा t इनटू d/dt ऑफ ओमेगा t, ओमेगा बाहर आएगा, dt/dt 1। पहला फॉर्मूला इस बॉक्स में डालो, ये याद करना है, a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t। तो ये फॉर्मूला है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। तो बहुत सही फॉर्मूला है, मैं आपको टाइम की वैल्यू देता जाऊंगा, 10 सेकेंड, 11 सेकेंड, 12 सेकेंड, 13 सेकेंड, आप कॉरस्पॉन्डिंग निकालते जाओगे उसकी वेलोसिटी, अभी की वैल्यू निकालते जाओगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड, मतलब कि आज के बाद अगर किसी भी टाइम पे वाई पूछना हो मुझे तो ये फॉर्मूला, किसी भी टाइम पे अगर मुझे वाई की जगह वी पूछना हो इंस्टेंटेनियस, ये फॉर्मूला। अब एक काम करते हैं, इसको मॉडिफाई करते हैं, ए कॉस ओमेगा टी को अंडर रूट के अंदर ले जाओ, जबरदस्ती ले जाओ, स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, यही फॉर्मूला बनेगा। ले गए, कॉस स्क्वायर को लिख लो 1 - sin² ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो, ए साइन ओमेगा टी क्या होता है, वाई। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, मेन नीट एनसीईआरटी इसके ऊपर पक्का आएगा। तो वाई इज इक्वल, वी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता हूं कि बताओ जब पेंडुलम का वाई A/6 है, A/8 है, A/12 है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली वेलोसिटी कितनी है, आप सीधा वाई पुट कर देना, आंसर आ जाएगा वी का। तो ये फॉर्मूला तब लगेगा जब टाइम के साथ वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है, ये तब लगेगा जब वाई के साथ डिस्प्लेसमेंट के साथ वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है। मैं इसे लगा के भी दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले वेलोसिटी क्या होती है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, जब कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज 1। तो जब आप यहां 1 पुट करेंगे तो ये वी मैक्स हो जाएगा कितना, ए ओमेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला ए ओमेगा। क्लियर है यहां तक? तो पहला फॉर्मूला याद रखना है आपने न्यूमेरिकल्स के लिए, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी टाइम के साथ वेलोसिटी का, दूसरा फॉर्मूला वाई के साथ वेलोसिटी का, तीसरा फॉर्मूला मैक्सिमम वेलोसिटी का। बहुत यूज होता है मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला। पेंडुलम में लगा के देख लेते हैं, आपने वी का ये फॉर्मूला किया, एक्सट्रीम पोजीशन पर लगा के देखते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन पर बोलो वाई क्या होगा, ए
चेक करो v क्या आ गया, जीरो, सही है। एक्सट्रीम पे वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। मीन पे लगा के देखें, मीन पे y क्या होता है, जीरो, तो वेलोसिटी क्या आएगी, a ओमेगा, बिल्कुल सही, क्योंकि जब पेंडुलम एक्सट्रीम से चलता हुआ आएगा तो मीन पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम, सही है। तो फॉर्मूला एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के फॉर्मूले आ गए। अब कोई कहता है कि ये लंबा तरीका है, छोटा बताओ, ये ऑप्शनल है, लिख लो, ऑप्शनल, आपको करना है करो, नहीं करना कोई बात नहीं, सिर्फ दो मिनट में सुन लो। हम इस वेलोसिटी की वैल्यू को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से भी निकाल सकते हैं, एक लाइन में। कैसे, आप इमेजिन करें कि आपकी बॉडी किस में मूव कर रही है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आपकी बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होती है, आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। तो मान ले पार्टिकल यहां पर था t टाइम पे, तो वेलोसिटी टेंजेंशियल क्या है, r ओमेगा में, m, r क्या है यहां पर, एम्पलीट्यूड यानी कि a ओमेगा, तो वेलोसिटी a ओमेगा। किसी भी इंस्टेंट पर एंगल क्या होता है, ओमेगा t, तो ये भी ओमेगा t, तो ये 90 माइनस ओमेगा t। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक cos कंपोनेंट और एक sin कंपोनेंट। तो क्योंकि हमने y जो लिया शुरू से वो y एक्सिस के अलोंग लिया, तो वेलोसिटी भी अब y एक्सिस के अलोंग ही लेंगे। तो वेलोसिटी y के अलोंग क्या बनेगी, sin ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, और वेलोसिटी टेंजेंशियल क्या है, a ओमेगा। एक लाइन में आंसर आ गया, a ओमेगा cos ओमेगा t। वैसे काफी लोगों को कैलकुलस ही पसंद आता है, मर्जी आपकी, आपको करना है ठीक है, नहीं करना मैंने बता दिया कि कैसे आप कंपेयर करके y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटीज को निकाल सकते हैं, ठीक है यहां तक। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन कैसे होगी, कोई पेंडुलम जब या कोई भी बॉडी पीरियोडिक में मूव कर रहा होगा, जैसे पेंडुलम है, वो एक्सेलरेट करता हुआ नीचे आएगा और ऊपर जाएगा, तो उसकी एक्सेलरेशन किसी भी इंस्टेंट पे क्या होगी। तो मैं चाहता हूँ आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालें। तो सिंपल है, आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आती है, आप इसे डिफ्रेंशिएट करें डीवी बाई डी टी, वी को पुट करें, ए ओमेगा बाहर आ गया, कॉस ओमेगा टी की इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, यहां से ओमेगा बाहर आ गया, ओमेगा स्क्वायर। तो फॉर्मूला मार्क करें बॉक्स में ये वाला, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मार्क करें, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी। वो अलग बात है कि ए साइन ओमेगा टी क्या होता है, वाई, तो यहां पर क्या आएगा, ए का फॉर्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो ये भी याद करें, दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये टाइम की फॉर्म में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है और ये वाई की फॉर्म में है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो ये y की फॉर्म में एक्सेलरेशन आ गया। अब देखने वाली बात ये है इसमें कि जो एक्सेलरेशन है इज प्रोपोर्शनल टू बॉडी की डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन। इसका मतलब क्या है, देखो इसके मतलब को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक स्प्रिंग है और एक मास है, मैंने उसको मास को खींचना शुरू किया, खींच रहा हूं, मैं y को बढ़ा रहा हूं, मैं टूवर्ड एक्सट्रीम लेके जा रहा हूं, मीन से मैं y इंक्रीज कर रहा हूं, मैं जितना ज्यादा y इंक्रीज करूंगा और छोड़ता हूं मास को, उतनी तेजी से उतनी एक्सेलरेशन से मास वापस आता है। लेकिन इस एग्जांपल में मैंने स्प्रिंग लगा रखा है, तो स्प्रिंग उसको वापस लेके आ रहा है। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, एक मास है, कोई स्प्रिंग नहीं है, यहां पड़ा था मीन पे, मैं उसको यहां पे ले जाता हूं y, छोड़ दिया, क्या वो वापस आएगा, क्यों आएगा भाई, वहीं पड़ा रहेगा। हालांकि मैंने y इसमें भी इंक्रीज किया पर उसमें वापस आने की एक्सेलरेशन ही नहीं हुई। तो वापस आने की एक्सेलरेशन किन में होती है, जिन बॉडीज में, जिन एग्जांपल्स में रिस्टोरिंग फोर्स यूज होती है। स्प्रिंग अपने अंदर क्या डेवलप करती है, रिस्टोरिंग फोर्स। तो अगर आप उस अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स काम करते हैं तो ही बॉडी वापस आती है, नहीं तो वापस नहीं आएगी, राइट। तो आपने वाई कहां लगाया, इस तरफ, और छोड़ते ही एक्सेलरेशन कहां हुई, इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ y। तो जितना ज्यादा आपने y लगाया एक्सेलरेशन की वैल्यू भी उतनी ज्यादा है। अब ये एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से है, तो ये रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन है। तो अगर मान लो किसी बॉडी में जितना ज्यादा आप y प्रोड्यूस करें उसमें वापस, नेगेटिव साइन का मतलब वापस आने की एक्सेलरेशन उतनी ही ज्यादा क्रिएट हो जाए। और ऐसा होगा कब, जब सिस्टम में क्या डेवलप होगी, रिस्टोरिंग फोर्स, नहीं तो नहीं आ सकता वापस, तो अपने आप आ ही नहीं सकती बॉडी। तो ऐसी स्पेशल पीरियोडिक मोशंस जिनमें रिस्टोरिंग फोर्सेस होती हैं और जिनमें एक्सेलरेशन द
डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है विद नेगेटिव साइन, का मतलब जितना ज्यादा आप वाई प्रोड्यूस करेंगे उतनी तेजी से वो वापस आएगा। ऐसी स्पेशल पीरियोडिक मोशंस को या हार्मोनिक मोशंस को बोला जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन वो पीरियोडिक मोशन है, या सिंपल हार्मोनिक मोशन वो स्पेशल कैटेगरी ऑफ पीरियोडिक मोशन है जिसमें रिस्टोरिंग फोर्सेस हैं और जिनमें एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई का फॉर्मूला फॉलो होता है। और अगर ये फॉर्मूला किसी पीरियोडिक मोशन में फॉलो नहीं होता तो वो सिर्फ पीरियोडिक मोशन है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। तो सारी सिंपल हार्मोनिक मोशंस पीरियोडिक तो होती हैं, पर सारी पीरियोडिक मोशंस ये फॉर्मूला फॉलो नहीं करती, तो सारी पीरियोडिक मोशंस सिंपल हार्मोनिक नहीं होती, सिर्फ खास किस्म की होती हैं जो ये फॉर्मूला फॉलो करती है। तो लिख दिया हुआ है, इफ इन एनी पीरियोडिक मोशन एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन, तो वो पीरियोडिक मोशन क्या कहलाएगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये याद रहे। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हमने एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन का इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमने क्या निकाली? हमने एक्सेलरेशन की इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये निकाली थी, राइट? इसको करने का सेकंड तरीका सर्कुलर मोशन, ऑप्शनल है, प्लीज लिख लो ऑप्शनल, मैथमेटिकल कर लिया हमने, कि अगर कोई बॉडी यहां पे है किसी इंस्टेंट पर और बॉडी सर्कल में घूम रही है, सर्कल में घूमने के लिए उसके पास कौन सी फोर्स होनी चाहिए? सेंट्रीपेटल। सेंट्रीपेटल का फॉर्मूला क्या होता है? आर ओमेगा स्क्वायर। अब यहां पर आर क्या है? एम्पलीट्यूड, तो क्या होगा? ए ओमेगा स्क्वायर टुवर्ड सेंटर, ओमेगा टी बराबर। तो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट है, एक्स में और वाई में, तो ये कॉस में और ये साइन में, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट वाई में ले रहे हैं, हम वेलोसिटी भी वाई में ले रहे हैं, तो हम एक्सेलरेशन भी वाई में लेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या लेंगे? ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस में जा रही है, तो साइन क्या लगेगा यहां पर? नेगेटिव, या नेगेटिव पे लगेगा, नीचे जा रही है। तो आप चेक करो एक लाइन में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकला है, चेक करो, जबकि कैलकुलस में लंबा है, पर कैलकुलस लोगों को ज्यादा पसंद आता है, बात अलग है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? और लास्ट, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला, एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगी? जब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो इन मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, मार्क करो बॉक्स में, इंपॉर्टेंट आएगा। मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला माइनस कैपिटल ए ओमेगा स्क्वायर, या मैग्नीट्यूड में क्या होगा? ए ओमेगा।